नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको अपने जाल में बुरी तरह फंसा रही है इस नाम की महिला। जी दोस्तों, यह आपको अपने वश में करना चाहती है और आपकी जुनकाल को यह बिल्कुल ही बर्बाद करके ही छोड़ेगी। जी दोस्तों, यह ऐसी महिला है जो खुद खाएगी लेकिन आपके मुंह का भी निवाला यह छीन लेगी। जी दोस्तों, समय रहते हो जाइए सावधान। और दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम उस महिला की नाम भी बताने वाले हैं और नाम के पहले अक्षर भी बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जे दोस्तों, ताकि आप अपने जुनकाल में इनसे सतर्क रह सकें। साथ ही बात करेंगे कि कैसे आप इनको अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं, क्या क्या आपको उपाय करना चाहिए, और साथ ही कौन सी सावधानी अब आपको अपने जुनकाल में रखनी चाहिए, कौन सी गलती अब आपको अपने जुनकाल में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि यह महिला यह नारी आपको फिर से परेशान ना कर सके और फिर से आपको अपने जाल में ना फंसा सके। जी दोस्तों, बहुत ही गंभीर वीडियो है। सनातन धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आज के वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना आप सभी का दायित्व होता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके पूरे जीवन का सवाल है। जी दोस्तों, आप सभी को एक सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक आप इनके जुर्म सितम को सहते रहेंगे, आखिर कब तक आप चुप रहेंगे। जी दोस्तों, यह बात हम आपसे पूछते हैं कि दोस्तों आपको भी जीने का अधिकार है। इस दुश्मन से आप पीछा इस वक्त छुड़ा लें, ताकि दोस्तों आने वाला कल आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरे पल को लेकर आए। जी दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त है, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। भगवान शिव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, कष्ट सारे आपके दूर हो जाएंगे। जय दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि दोस्तों जीवन काल में दुश्मन का होना। दोस्तों, आज के इस दौर में दुश्मन का होना जायज सी बात है। दोस्तों, अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो दोस्तों दुश्मन तो आपके बनेंगे, इस बात को आप टाल नहीं सकते। जी दोस्तों, अगर आप किसी कार्य में सफल हो गए तो दोस्तों वहां पर भी आपका दुश्मन बनेगा। अगर आप किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य में किसी आप अपोजिट जेंडर वाले लोगों से आगे बढ़ गए तो दोस्तों वहां पर भी आपका दुश्मन बन जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों जलने वाले दुश्मन आपको हर क्षेत्र में मिलेंगे, जहां पर आप कुछ उनसे नया करेंगे, कुछ उनसे आगे चल जाएंगे। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि दुश्मन आपको बनेंगे, लेकिन दोस्तों आप उन्हें बनने से रोक नहीं सकते, लेकिन दोस्तों आप खुद में सुधार अवश्य कर सकते हैं। जी दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, आपको उन्हें नहीं सुधारना है बल्कि आपको खुद को सुधारना है, उनसे पीछा छुड़ाना है। इस बात का आप ध्यान रखें। इनसे दोस्तों आप करेंगे क्या कि आप अपने लाइफ को उनसे अलग कर लेंगे, तो दोस्तों उनका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है आपके ऊपर कम दिखता हुआ नजर आएगा, और दोस्तों यही आपका सफल होने का एकमात्र रास्ता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो दुश्मन है आपके पिछले कई समयों से आपके साथ है। कभी कभी आपकी कमजोरियों का पता लगा कर ये आपसे अच्छी अच्छी जानकारियां लेते हैं, लेकिन दोस्तों आप उन्हें उन पर शक ही नहीं करते कि दोस्तों ये हमारे दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि किसी पर भी आजकल के दौर पर आप यकीन ना करें, क्योंकि दोस्तों आजकल के दौर पर जो इंसान आपके साथ रहते हैं वही आपका आपका जो है दुश्मन बन जाते हैं, वही आपको धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान रखें कि दोस्तों किसी पर भी यकीन नहीं करना है। जी दोस्तों, आप यकीन करते हैं तो दोस्तों पूरी तरह जांच पड़ताल कर ले कि यह इंसान आपके लिए सटीक है, सही है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके सामने तो अच्छे बनते हैं, आपके सामने तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको अच्छे प्रकट करते हैं लोगों के सामने भी, लेकिन दोस्तों जब आप वहां समय नहीं रहते हैं, क्योंकि हैं जहां पर वो रहते हैं वहां पर आप नहीं रहते हैं, तो दोस्तों वे जो है दूसरों से आपकी बुराइयां करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा व्यक्ति आपको जो है पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, आपको जो है गलत साबित करने की प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति से आपको पीछा छुड़ाना है। तो दोस्तों आपको ऐसे व्यक्ति से पीछा किस प्रकार छुड़ाना है, दोस्तों मैं आपको बता दें कि जैसे आप पहचान गए कि यह व्यक्ति हमारे लायक नहीं है या हमारी बुराइयां करता है दोस्तों, तो उस व्यक्ति से आपको कुछ बल नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आप कुछ अगर करेंगे तो दोस्तों आप ही गड्ढे में गिरेंगे। जी दोस्तों, अगर आपको सफलता की शिखर तक जाना है तो दोस्तों आपको उस व्यक्ति से कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको धीरे धीरे उनसे बात करना बंद कर देना है। जहां पर आप जाते हैं वहां पर उसके साथ नहीं जाना है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ किसी तरह मतलब इस प्रकार के कार्य को करना है जहां पर वह नहीं जा सकते हैं। जी दोस्तों,
उनसे हमेशा अलग रहने का प्रयास करें, उनसे बात करना बंद कर दें। जो कार्य आप करते हैं दोस्तों उनमें आपको सम्मिलित ना होने दें। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आपको उनसे अलग करेगी, तभी दोस्तों जाकर आप जो है एक अच्छे इंसान के रूप में आ सकते हैं। जी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इंसान आपको पिछले कई समयों से एक अच्छे इंसान बनने से भी रोक रहे हैं, कि दोस्तों जहां भी आपको सफलता मिलती है वहां पर यह अड़चने लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ऐसी बातों का आपको इसमें जो है ध्यान रखना है कि दोस्तों दुश्मन जो होते हैं वह बहुत ही घातक होते हैं, आप उन पर यकीन नहीं कर सकते दोस्तों, वह आपको कौन से नुकसान करा दे कभी भी आप सोच नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसे लोगों से आप जितना हो सके दूरी बना लें, यही दोस्तों आपकी सफलता की सीढ़ी होगी। तो दोस्तों आपने यह बात तो पिछले समय में भी देखा है कि किस प्रकार आपके बनते बनते कार्य बिगड़े हैं, जहां पर आपको रोना तक आ गया है। ये दोस्तों इस बात को आप कभी ना भूलें। ये दोस्तों अगर आप पिछले अपने अतीत को ही भूल जाएंगे तो दोस्तों आने वाला कल आप सभी के लिए बेहतर नहीं हो सकता। ये दोस्तों जो इंसान अपने अतीत से सीख लेता है दोस्तों वही आगे चलकर अच्छाइयों को भी सीख देता है। जी दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दोस्तों पिछले समय जो भी व्यक्ति ने आपको दर्द दिया है, जो भी आपके दुखों में आपके साथ नहीं है दोस्तों, उस व्यक्ति का आपको जो है हाथ बिल्कुल ही पकड़कर नहीं चलना है। जी दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल भी आपको पीछा छुड़ा लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति आपका साथ कभी नहीं देंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी यह बात को कही है कि जो भी शत्रु आपके हैं, जो भी आपके दुश्मन हैं, अगर आपको कहीं पर धोखा दे देते हैं, अगर वह आपसे माफी भी मांग लेते हैं तो दोस्तों उन्हें माफ कर दीजिए, यह बात जायज से है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों आपको दोबारा उन पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप दोबारा विश्वास करेंगे तो दोस्तों आप भी सबसे बड़े बेवकूफ बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी चोर है वह चोरी ही करेगा, जो दोस्तों चाहे वो कितना ही मुजरिम बनकर सजा काट ले, अगर वह जेल से बाहर निकलेगा तो दोस्तों वो चोरी करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति से आप सतर्क और सावधान रहें। तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं कि कैसे आप इसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। जी दोस्तों पहचान करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं कि कोई भी हमारे दुश्मन है उसे उन्हें हम कैसे पहचाने कि कौन से हमारे जो है दुश्मन है और कौन से हमारे दोस्त है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो दुश्मन है आपके कोई दूर दराज के लोग नहीं है, बल्कि दोस्तों आपके आस पड़ोस में ही रहने वाले एक इंसान के रूप में सांप है। जी दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि इंसानी रूप में सांप है और यह आपके सबसे बड़े दुश्मन है, और इन्हें अब आपको ढूंढना है कि आपके आस पास में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके साथ रहकर आप पर छल करते हैं। जी दोस्तों दोस्तों बातों को जरा गौर से सुनिएगा कि जो भी आपके आसपास के व्यक्ति हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ कोई भी कार्य करते हैं और आप देखते हैं कि वह अगर आपका साथ था तो दोस्तों कल वह कार्य जो है विफल हो गया है, यूं कहें तो उन कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है, कार्य बिगड़ गया है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का आपको साथ नहीं रहना है जो आपके साथ अच्छे हैं लेकिन आपके बाद में वो आपकी बुराइयां करते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की आप पहचान करें और उन्हें अलग करने की तरीका है कि दोस्तों आप उनसे बिल्कुल भी ना उलझे और उन्हें अपने जीवन काल से निकाल दें। दोस्तों यही तरीका है अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाने का। जी दोस्तों अगर अब भी आप नहीं छुड़ाएंगे तो दोस्तों आपने पिछले समय देखा किस प्रकार की दुख दर्द और परेशानियों से आपने जूझे हैं, किस प्रकार की परेशानियों का आपने सामना किया है। तो दोस्तों व्यक्ति हमेशा इस प्रकार होते हैं कि मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन दोस्तों उन्हें सफलता की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों वह एक पत्थर पर हथौड़े मारते हैं लेकिन दोस्तों अगर वह सही से उस पत्थर पर हथौड़े मारे, कौन सी जगह थोड़ा मानना चाहिए, अगर उसको यह चीज पता चल जाए तो दोस्तों पत्थर भी बहुत ही जल्द टूट जाता है। तो दोस्तों इसका भी ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में सफल होने के लिए आपको सही रास्ता चुनना होगा। जी दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, बुरे संगत में नहीं रहना है, जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है और अपने जीवन काल में एक अलग ही रूटीन बनाना है कि आपको क्या करना है। जी दोस्तों आप अपने ही नजरिए से पूरी दुनिया को देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन सा व्यक्ति आपके लिए गलत है। ये दोस्तों जो भी व्यक्ति आपको अपने नजर से गलत लगे तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को आप बिल्कुल ही साथ ना रखें, कि दोस्तों ऐसा अक्सर होता है कि दोस्तों आप मुंह पर नहीं बोल पाते हैं किसी के दोस्तों कि यह व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। जी दोस्तों लेकिन दोस्तों आपको यह कदम उठाना चाहिए, उस व्यक्ति को साथ आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और उनका साथ छोड़ देना चाहिए, तभी दोस्तों आप अपने जीवन काल में एक सफल और स्वच्छ इंसान बन पाएंगे। और हाँ दोस्तों इस दुश्मन का नाम का पहला अक्षर है PRSTNO।
एम जे ए डी एंड भी, जी दोस्तों यही नाम का पहला अक्षर है। तो दोस्तों हमारी यह बात में अगर आपको थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आई हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर शिव भक्त हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, और शायद दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।